गुड मॉर्निंग क्लास, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 5 एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 1B. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1. यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स. क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ध्यान से समझिएगा. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करके राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम. ये आपका नंबर नेम है, आपको न्यूमरल्स में राइट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट प्रिपेयर करने के बाद आप जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको रीड आउट करेंगे और उसके हिसाब से फिर फिलअप करेंगे कि किस प्लेस पर क्या है. तो सबसे पहले देखिए 1 बिलियन, यानी बिलियन के नीचे क्या होगा, 1 राइट करेंगे 1. देन 2 मिलियन, यानी मिलियन के नीचे 2. ध्यान दीजिएगा यहाँ कोई 100 मिलियन या 10 मिलियन नहीं है, इसलिए जो दिया है वही राइट करिएगा. 2 मिलियन है तो मिलियन के नीचे 2. अब है 3000, तो 1000 के नीचे 3. लास्ट है 4, तो 4 जो है वो वंस पीरियड में आ गया, नहीं वंस पे, तो वंस के नीचे राइट करेंगे 4. अब जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, 0, वहाँ आप 0 लगा देंगे. इस तरीके से आप जो है एक्सप्रेस कर देंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. एंटर द डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड ऑल्सो राइट द नंबर नेम्स फॉर द न्यूमरल्स. क्या करना है, सबसे पहले हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है. फिर जो नंबर्स है उनको अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट फिलअप करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड से एक्सप्रेस करेंगे. तो सबसे पहले 3, तो 3 राइट करेंगे, 2, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 6. पहले क्या करेंगे, हम सभी नंबर्स को ऐसे एक्सप्रेस कर लेंगे, एक्सप्रेस करने के बाद फिर हम उनका नेम राइट करेंगे. तो सबसे पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं, 1, 0, 2, 0, 3, 7, 2, 8. थर्ड नंबर 5, 3, 6, 2, 2, 0, 9, 2, 1, 3. अब एक्सप्रेस करने के बाद अब नेक्स्ट क्या है, नंबर नेम. हमें नंबर नेम भी, यानी कि इनका नेम भी राइट करना है. तो फर्स्ट देखते हैं मिलियन में क्या है, 651 मिलियन. ये आप देख रहे हैं 651 जो है वो मिलियन में है, मिलियन ग्रुप में है, मिलियन हाउस में है. तो 651 मिलियन राइट करेंगे, 651 मिलियन. नेक्स्ट है 325,000, थाउजेंड ग्रुप में है, 325, सो उसको राइट करेंगे 325,000. नेक्स्ट है 123, तो इसको राइट कर देंगे 123. ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3. सी द क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट. विच डिजिट इज इन द बिलियन पीरियड इन क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड. अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में कह रहा है कि विच डिजिट इज इन द बिलियन पीरियड, कौन सा डिजिट बिलियन पीरियड में है. तो देखिए 2 का थर्ड ये है हमारे पास, तो आप चेक करेंगे कि बिलियन पीरियड में कौन सा डिजिट है.
तो यहाँ है बिलियन पीरियड, तो कौन सा डिजिट है बिलियन पीरियड में? 3। तो यानी कि 3 का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका विच डिजिट, तो 3 इज इन बिलियन पीरियड। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस हैं, सेकंड देखिए, विच डिजिट्स आर इन द मिलियन पीरियड इन क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड। 2 के सेकंड में कौन कौन सा डिजिट मिलियन पीरियड में है? तो ध्यान से देखिए, मिलियन पीरियड में 2 और 8, 8 और 2 जो डिजिट है वो मिलियन पीरियड में लाई करती है। तो इसको कैसे राइट करेंगे? डिजिट पूछा है आपसे इसलिए अलग अलग राइट करेंगे। 8 एंड 2 आर इन मिलियन पीरियड। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 के रेफरेंस में कि कौन सा डिजिट किस पीरियड में लाई करता है। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।